हाय, वेलकम टू माय चैनल सिस्टम वेब टेक। इस वीडियो में हम दो कॉलम्स को कंपेयर करके, ए और बी कॉलम को कंपेयर करके डुप्लीकेट वैल्यूज और यूनिक वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, तो एक बार करके देखते हैं कैसे करते हैं। मैच फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं। मैच फॉर्मूला ये लुकअप वैल्यू मांग रहा है, तो लुकअप वैल्यू मेरी ये है और रेंज जो है मेरी B4 से B15 B32 तक है। फंक्शन F4 किया तो इसको लॉक कर लिया मैंने फंक्शन F4 से। तो अब ये लुकअप करेगा ये ब्लू कलर का सेल इस पूरी रेंज में कहीं मिलेगा, तो ये उसको देखते हैं क्या देता है। 0 लेंगे एक्सेक्ट मैच के लिए और मैं ये एंटर कर देती हूँ। नॉट अवेलेबल, वाराणसी और नैनीताल को मैच किया तो इसे नहीं मिला कहीं। फिर पूरे उसमें जहाँ पे भी मिलेगा इसे वहाँ पे ये नंबर दे देगा, ऐसे ही सो ऑन चलेगा। तो इसे नीचे तक लेके जा रहे हैं तो ये नंबर्स आ गए। तो आप देखते हैं 25 पे कह रहे हैं, तो 25 पे उड़ीसा है हमारा, 25 पे नॉर्थ ईस्ट है हमारा। इसको कॉपी करती हूँ, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी फाइंड ऑल। तो ये मिल गया इसे नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही 26 पे कह रहे हैं नागालैंड, तो नागालैंड फाइंड ऑल करते हैं। तो कहीं शीट 2 में नहीं मिला। अब मैच फंक्शन कहीं नहीं मिला तो फाइंड एंड रिप्लेस में ये पूरा एक्सेक्ट वर्ड कहीं नहीं मिला, लेकिन अगर हम इसको एन ए सर्च करते हैं तो ये केस, तो इसे इतने सारे मिल चुके हैं एन ए, नैनीताल में, वाराणसी में, सोमनाथ एंड द्वारका में, अरुणाचल एंड सो ऑन, राइट। तो ये पूरा वर्ड ना मैच करके अगर थोड़ा सा भी कहीं मैच कर जाता है बीच में या पहले फर्स्ट या मिडल लेटर या लेफ्ट और राइट में कहीं पे भी, तो ये शो कर रहा है। नेक्स्ट है मेरा 27, 28, 28 को देखते हैं कहाँ पे है, फाइंड ऑल। तो ये मिल गया इसे। ऐसे ही और देख लेते हैं, 3 पे क्या है हमारा, शिरडी। तो शिरडी भी यहाँ पे नहीं है, तो फिर ये क्यों दिखा रहा है एक बार देखते हैं रीज़न। फाइंड ऑल, लेकिन इसे कहीं नहीं मिला शिरडी। ऐसे ही इसके शुरू के 2 लेटर सर्च करके देखते हैं, तो शिरडी जो है उसको और लेटर्स में मिल रहे हैं, जैसे शिलोंग में SH मैच कर रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। तो जहाँ पे भी ये मैच करेगा वहाँ पे इसने नंबर्स डिस्प्ले कर दिए हैं उस रो के। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इस एरर लगा रही हूँ मैं। इस एरर क्या करता है, अगर कहीं पे ये देखिए, अगर कहीं पे ये वाली एरर अवेलेबल हो, एन ए नॉट अवेलेबल वैल्यू आर ई एफ डिव नम और नेम या नल, तो कंडीशन तो ये ट्रू देगा, और कहीं पे एरर नहीं है तो ये फॉल्स देगा। तो इसको मैं क्लोज कर रही हूँ। तो जहाँ जहाँ एन ए है वहाँ ट्रू आएगा, और जहाँ डिजिट्स हैं ये न्यूमेरिक डिजिट्स वहाँ फॉल्स आ जाएगा। तो ये हो गया, फॉल्स आ गया न्यूमेरिक डिजिट्स पे। अब हम इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ अब हमें डुप्लीकेट वैल्यूज डिस्प्ले करानी है। तो डुप्लीकेट वैल्यूज डिस्प्ले कराने के लिए, तो जहाँ पे एन ए है वहाँ, तो मतलब वो वैल्यू हमें ब्लैंक रखनी है।
और जहाँ पे डिजिट्स आई थी यानी कि वहाँ फॉल्स आ रहा था, फॉल्स आ रहा था, तो वो डिजिट्स जो था डुप्लीकेट वैल्यूज़ की थी, तो वहाँ पे हमें अपना वैल्यू डिस्प्ले कराना है। तो मैं A4 ले रही हूँ, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर करते हैं। तो जहाँ NA है नॉट अवेलेबल यानी वहाँ ट्रू है, ट्रू है तो ब्लैंक आएगा, और जहाँ डिजिट्स थी वहाँ फॉल्स था, फॉल्स है तो वहाँ मुझे वैल्यू चाहिए कि कौन कौन से वैल्यूज़ हैं मेरी। तो ये देखिए ये सारे डिस्प्ले हो गए। कुर्क, कुर्क यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो A20 और AB30 पे वैल्यूज़ मैच कर रही हैं। ऐसे ही ऊटी को भी देख लेते हैं, फाइंड ऑल। तो आप देखेंगे A20 और B31 पे मैच कर रहे हैं, सो ऑन। तो जो वैल्यू यहाँ पे मैच डुप्लीकेट हो रही है वैल्यूज़, वो उसने डिस्प्ले कर दिया, राइट। अब चलते हैं अपने, इसको अभी हाइड कर देती हूँ मैं। अब पहले A कॉलम की यूनिक वैल्यूज़ निकालते हैं। जैसे डुप्लीकेट निकाला ऐसे ही यूनिक निकलेगा, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगेगा मैच का। तो मैच को ही मैं कॉपी कर रही हूँ पहले, इक्वल्स टू मैच, बिल्कुल सेम लॉजिक है, कुछ डिफरेंस नहीं है। A4 मेरी लुकअप वैल्यू है, अगर ये इस रेंज में कहीं मैच कर जाए, एग्जैक्ट मैच हो गया, एंटर करती हूँ, वही NA एरर आया, सब सेम है। तो ये जो मैच कर रही है इसने फिर से डुप्लीकेट वैल्यूज़, जो जो कॉमन है ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ के नंबर डिस्प्ले करे हैं, और जो नहीं है उस पे NA है, राइट। अब NA है नॉट अवेलेबल यानी कि डुप्लीकेसी नहीं है इन सेल्स के अंदर, वो कह रहा है। लेकिन अब हम इस एरर से NA हटा सकते हैं। तो जहाँ जहाँ NA होगा वहाँ ट्रू हो जाएगा, और जहाँ न्यूमेरिक डिजिट्स होंगी वहाँ फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इस एरर फंक्शन का मतलब ही ये है कि अगर एरर है तो डिस्प्ले करे ट्रू, और अगर एरर नहीं है तो फॉल्स। एंटर करते हैं, तो ये देखिए जहाँ जहाँ न्यूमेरिक डिजिट है, हिमाचल पे देखिएगा फॉल्स आएगा। तो ये हो गया फॉल्स, हिमाचल से सारा फॉल्स हो गया, डुप्लीकेट कंटेंट है यहाँ प्रेजेंट। अब हमें क्वेश्चन ये है कि हमें तो यूनिक वैल्यूज़ निकालनी है, डुप्लीकेट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं A कॉलम की, राइट। तो डुप्लीकेट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा घूमा हुआ है, तो इसलिए ध्यान से समझेंगे। इफ़ कंडीशन लगाएंगे, यहाँ तक लॉजिक दोनों का सेम है डुप्लीकेट और यूनिक के लिए। अब होगा क्या, यहाँ पे कॉमा डाल रही हूँ मैं। अब जहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो मतलब वहाँ यूनिक वैल्यू है, और जहाँ पे कंडीशन फॉल्स है तो मैच, तो हमेशा मैच, मैच मतलब जब मैच कर रहा है एक दूसरे से, तभी वो उसने मुझे डिजिट्स डिस्प्ले किया है। तो मैच तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ की उसने मुझे पोजीशन यानी नंबर्स निकाल के देता है, दिया था उसने कि इस पोजीशन का नंबर डुप्लीकेट है, राइट। पर अब मुझे क्या है क्वेश्चन मेरा, मुझे यूनिक डिस्प्ले कराना है। तो यूनिक डिस्प्ले कराने के लिए जहाँ जहाँ ट्रू है मैं वहाँ लिखूँगी A4 की वैल्यू मुझे डिस्प्ले हो जाए,
क्योंकि जहाँ ट्रू है वहाँ मतलब यूनिक वैल्यूज प्रेजेंट हैं, और जहाँ डिजिट्स थी यानी कि फॉल्स, जहाँ न्यूमेरिक डिजिट्स थी वो ब्लैंक, वहाँ मुझे आपकी पास डुप्लीकेट वैल्यूज चाहिए नहीं, तो वहाँ मैंने ब्लैंक लिया। एंटर करती हूँ, अब देखिए जहाँ जहाँ यूनिक है अब की बार वो डिस्प्ले हो गया, और जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो डिस्प्ले नहीं की, राइट। जबकि लॉजिक सेम है, लॉजिक मैच का सेम है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैच फॉर्मूला सिर्फ उसको डिस्प्ले करा रहा है जो डुप्लीकेट है, लेकिन इफ़ कंडीशन से हम यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू को हाइड और डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट। यूनिक इफ कंडीशन से और इस एरर की कंडीशन की हेल्प से, लेकिन मैच फंक्शन क्या कर रहा है, वो सिर्फ डुप्लीकेसी को हाईलाइट कर रहा है, उनका पोजीशन नंबर हमें डिस्प्ले कर रहा है, और उस पोजीशन नंबर को हमने इस एरर से ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया, और इफ कंडीशन से हमने हाईलाइट कर दी वैल्यूज़ को। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं हम इसी चीज़ की, लेकिन अब की बार प्रैक्टिस करेंगे हम बी कॉलम के साथ, क्योंकि थोड़ा और समझने में। अब फिर वही मैच लगा रही हूँ, मैं मैच लगाऊंगी अब की बार, मुझे बी कॉलम की वैल्यू को किससे मैच कराना है, ए कॉलम की रेंज से, ए फोर से लेके ए 32 तक। रेंज को हमेशा फिक्स किया जाता है डॉलर साइन से, जिससे कि हमारी रेंज ऊपर नीचे ना हो, और मैच ले रही हूँ जीरो। तो अब देखेंगे ये उसके न्यूमेरिक डिजिट्स निकाल के देगा जहाँ पे ए और बी वैल्यू मैच करेगी, जहाँ पे दोनों एक साथ मिलेंगे एक वैल्यूज के कॉलम की वैल्यूज़। चलिए देखते हैं, ये इसने हाईलाइट कर दिया भाई, जो 26 पे है वो आपका ए में भी मौजूद है और बी में भी, जो 20 बी के 26 पे है, तो बी के 26 पे राजस्थान है। एक बार इसको मैं देख लेती हूँ फाइंड ऑल करके, तो फाइंड नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ऐसे ही कुछ और भी देख लेते हैं। तो ये सभी कह रहे हैं 25, 25, 26, 27। लक्षद्वीप देख लेते हैं, ये देखिए, और कोई देख 19th पे क्या है हमारा, कुर्क, कुर्क यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 22 पे ए बी 22, राजस्थान देख चुके हैं हम, और कोई वैल्यू, तो ये हाईलाइट हो गया है हमारा, राइट। अब इन डिजिट्स का हमारा क्वेश्चन है, हमें पी कॉलम के डुप्लीकेट्स देखने हैं। पहले तो हम इस एरर में कर लेते हैं इसे ट्रू फॉल्स में, भाई जहाँ जहाँ एरर दिखाई दे रही है वहाँ तो ट्रू कर दे, बाकी जगह फॉल्स हो जाए। एंटर किया, यहाँ एन ए था इसलिए ट्रू, यहाँ फॉल्स हो जाएगा, तो हो गया फॉल्स। अब इसको हमें डुप्लीकेट वैल्यू डिस्प्ले करानी है, तो इफ कंडीशन से हम भाई जहाँ जहाँ नंबर थे, या नंबर कहाँ मिलेंगे, फॉल्स कंडीशन पे मिलेंगे, तो अगर एरर हो जहाँ जहाँ वहाँ तो ब्लैंक छोड़ दे, और जहाँ फॉल्स हो वहाँ मुझे बी फोर की वैल्यू डिस्प्ले हो जाए, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू डिस्प्ले होंगी मुझे। एंटर करती हूँ, तो ये देखिए डुप्लीकेट वैल्यू डिस्प्ले हो गई। एक बार चेक कर लेती हूँ ये ओरछा को, ये ओरछा चेक करते हैं, तो ओरछा बी फाइव पे है,
और कहाँ है? ओहो, A29 पे भी है। तो ये हो गया डुप्लीकेसी कंटेंट बी कॉलम का। अब बी कॉलम के मुझे यूनिक वैल्यूज भी देख लेते हैं एक बार। सिर्फ बी कॉलम के डुप्लीकेट्स देख लिए, अब यूनिक देख लेंगे। लॉजिक सेम है इसलिए मैं ये कॉपी कर रही हूँ। मैच मैच का काम है बस डुप्लीकेट वैल्यूज़ की पोजीशन को दिखाना कि भाई आपका डुप्लीकेट इस नंबर पे मौजूद है, इस सेल इस रो में मौजूद प्रेजेंट है। एंटर किया मैंने, ये देखिए। हाँ भाई बिल्कुल, 26 पे है, 27, 25 पे दार्जिलिंग है डुप्लीकेट। ये देखिए बेंगलोर को मैं देख लेते हैं कहाँ पे है बेंगलोर। तो बेंगलोर है, फाइन नेक्स्ट, यहाँ पे है, 831 पे लगा रखा है। तो ये ऐसे है। अब क्या करना है, हमें तो यूनिक वैल्यूज़ चाहिए। पहले इस एरर से ट्रू फॉल्स में ले लेते हैं। तो जहाँ जहाँ एन ए है वहाँ ट्रू हो जाएगा क्योंकि वहाँ तो एरर है। इस एरर का मतलब कि पूछता है क्या वहाँ एरर है। इस एरर इंग्लिश में कहें इस क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चंस में पूछा जाता है इंटरोगेटिव फॉर्म में, क्या वहाँ एरर है। हाँ है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो यहाँ नहीं, एरर नहीं थी तो यहाँ फॉल्स आएगा, फॉल्स हो गया यहाँ। अब इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ अब मैं कहूँगी जहाँ जहाँ ट्रू है, यानी कि वहाँ एन ए था, एन ए है तो वहाँ यूनिक वैल्यूज प्रेजेंट है, और जहाँ फॉल्स है वहाँ मतलब न्यूमेरिक डिजिट थी। न्यूमेरिक डिजिट होने का मतलब मैच ने वो वैल्यू मैच करके दी, वो सेल मैच करके दिया जहाँ पे डुप्लीकेसी प्रेजेंट थी। तो जो डुप्लीकेसी मुझे नहीं चाहिए डिस्प्ले, मुझे तो यूनिक वैल्यूज़ का क्वेश्चन है मेरा। तो अब मैं ट्रू वैल्यू को डिस्प्ले कराऊंगी। तो अगर ये फॉर्म इस एरर अगर ट्रू है तो मुझे यहाँ पे 4 की वैल्यू डिस्प्ले कर दें और बाकी ब्लैंक। मुझे नहीं चाहिए इस बार डुप्लीकेसी वाली वैल्यूज़। और इसको हम, तो ये मेरा अब यूनिक निकलाया बी कॉलम का। नैनीताल आपको कहीं नहीं मिलेगा बी कॉलम के सिवा, राइट? असम आपको कहीं नहीं मिलेगा बी कॉलम के अलावा। लद्दाख आपको कहीं नहीं मिलेगा। शिलोंग, अरुणाचल, ये सब यूनिक हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड लाइक इट। इफ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड एनी डाउट देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कीप वॉचिंग आवर वीडियोज प्रेजेंट इन आवर प्ले लिस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।